यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदू वोटरों को साधने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। शुरुआत राहुल गांधी ने मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ की। इसके बाद प्रियंका गांधी यूपी के कई मंदिरों में माथा टेकने पहुंची। यहां तक कि अपने भाषणों में भी प्रियंका गांधी गायत्री मंत्र पढ़ते नजर आई हैं। दोनों भाई बहन की कोशिश है कि कैसे भी यूपी के हिंदू वोटर्स के बीच उनकी छवि हिंदू विरोधी न बने। कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही है कि वो कहीं से भी ऐसे किसी मुद्दे को लेकर न फंसे जो उसे बहुसंख्यक समाज के विरोधी के तौर पर प्रचारित करने का मौका बीजेपी को दे दे। यही वजह थी कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा बवाल खड़ा नहीं किया। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही अब कांग्रेस नेता प्रियंका और राहुल के उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिए हैं। बीते एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस का चरित्र ही बदल गया है। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखी गई कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब ने कांग्रेस को लगभग यूपी चुनाव से आउट कर दिया है। खुर्शीद ने किताब में हिंदुओं की तुलना ISIS और बोको हराम से कर दी है। इसके बाद खुर्शीद की किताब के विमोचन में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने वीर सावरकर को लेकर कहा कि वो बीफ खाए जाने के खिलाफ नहीं थे। यही नहीं, पी चिदम्बरम ने तो सीधे राम मंदिर पर शीर्ष अदालत के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भले इस फैसले को स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये सही नहीं था। हालांकि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इसे गलत बताया और कहा कि इस्लामिक स्टेट से हिंदुत्व की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन अभी ये सब विवाद थमा भी नहीं था कि मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासकों की तारीफ का नया विवाद खड़ा कर दिया है। अकबर और बाबर जैसे शासकों की तारीफ करते हुए अय्यर ने कहा कि आज देश में ऐसे लोग भी सत्ता में हैं जो 80% लोगों को ही भारतीय मानते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस नेता चुनाव से ठीक पहले ऐसे बयानबाजी करेंगे और यूपी में बहुसंख्यकों को ही टारगेट करेंगे तो प्रियंका गांधी का यूपी में चुनाव जीतने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।